दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज बहुत ही यूनिक आरसी का कलेक्शन मैं लेके आ चुका हूँ। इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है कि शायद ही आप लोगों ने कभी देखी होगी। तो इनमें से एक चीज यार बहुत ही यूनिक है, इसके अंदर है एक साइकिल जो कि मैंने रिसेंटली बाई की थी अमेजोन से। सिर्फ एक नॉर्मल सी साइकिल थी, इसको मैंने कंप्लीटली चेंज करके रिमोट वाली साइकिल बना दिया है। बहुत ही यूनिक सी चीज है, अगर आप इसको चलते हुए एक बार देख लो ना, आपको यकीन नहीं होगा कि भाई इस तरह की चीज भी आई है मार्केट में। तो इसके साथ बहुत सारी यूनिक आरसी कार्स भी है मेरे पास, जैसे कि इसको बोलते हैं बाउंस कार। ये बहुत अच्छे तरीके से बाउंस कर सकती है, यानी कि हर तरफ जंप करके चल सकती है। ये आई स्पाई टैंक है, इसको हम लोग फोन से चला सकते हैं। ये है बम्बल बी आरसी कार, बहुत अच्छे तरीके से ये चल सकती है और बहुत ही यूनिक तरीके के स्टंट कर सकती है। गाइज ये है बॉन्जर आरसी कार, कंप्लीटली एक सुपर आरसी कार है और ये बहुत ही सस्ते में मैंने खरीदा था, इसका प्राइस है सिर्फ 1000 रुपीज। अब ये है ब्लैक मांबा आरसी कार, ये फोल्ड होके पूरी की पूरी एक बॉल जैसी भी बन जाती है, इसको भी आज चला के बताने वाला हूं। तो चलो गाइस फटाफट से इन सभी को अनबॉक्स करके बताता हूं, उससे पहले इसको खोलते हैं गाइस, देखते हैं ये कितनी यूनिक चीज है। फटाफट से ओपन करके दिखा देता हूं मैंने इसके अंदर क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा लगाई है जो कि अब ये रिमोट कंट्रोल से चलने लगी है। ये है मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट रिमोट कंट्रोलर, ये रिमोट ही मैंने साइकिल के ऊपर अटैच कर दिया। आपको पता होगा मेरे पास जितनी भी मॉडिफाइड कार्स है, मैं उनको मॉडिफाई करता हूं ना, उनके अंदर ये वाला रिमोट ही लगाता हूं। ये है फ्लाई स्काई का FSGT2 रिमोट कंट्रोलर, इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है। तो अब मैं दिखाने वाला हूं आपको साइकिल, ये रही गाइस फोल्डेबल साइकिल जो कि मैंने इसको कंप्लीटली रिमोट कंट्रोल वाली साइकिल बना दिया है। तो इसको देखो गाइस, यहां से फोल्डिंग करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो इसको आप इस तरीके से अनफोल्ड करके यहां से इस तरीके से लॉक कर सकते हो। आने वाले दिनों में मैं एक रियल फोल्डेबल साइकिल भी लाने वाला हूं, मेरे पास 3-4 दिनों में आ जाएगी, उसकी वीडियो भी मैं आपको जरूर से बना के बता दूंगा। पीछे की तरफ इसका बैटरी कंपार्टमेंट मैंने अटैच कर दिया, आप इसको इस तरीके से भी चला सकते हो। यहाँ पे इस तरीके का एक बेल्ट सिस्टम भी दिया गया। बाकी का हैंडल देखो, पहले जैसे ही मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया है, सामने का व्हील भी पहले जैसे। इसकी जो हैंडल है अब मैं रिमोट से कंट्रोल कर सकता हूँ, इस तरफ और इस तरफ। ये जो हैंडल है थोड़ी सी हार्ड है यार, ये रिम कंप्लीटली मेटल का बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो मेटल की इसके अंदर स्पोक्स दी गई है। व्हील्स कंप्लीटली रबर के बने गए हैं, सामने के और पीछे के। साइकिल दिखने में भाई बिल्कुल एक रियल साइकिल जैसी ही दिखाई दे रही है। तो बाकी ये साइकिल के साथ एक और चीज आती है, वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया था यार, ये है इसका राइडर। इसके ऊपर राइडर लगाने के बाद साइकिल का जो लुक है काफी ज्यादा कमाल का हो जाता है। यहाँ पे सीट के ऊपर इस तरीके से अटैच हो जाएगा और इसके ये जो पैर है पैडल के ऊपर यहां पर फिक्स हो जाएंगे। अब इसके ऊपर राइडर लगाने के बाद अब ये कंप्लीट एक रियल साइकिल जैसी ही दिखाई दे रही है। तो गाइस अब ये एक और यूनिक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग मैं करने वाला हूं, इसका नाम है ब्लैक मांबा ट्रांसफॉर्मिंग आरसी कार। बॉक्स को यहां से मैंने ओपन कर लिया है, इसको मैंने 4400 रुपीज में खरीदा है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। अगर मैं इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक्चुअल में ये एक इस तरीके की आरसी कार होती है। जैसे मैं रिमोट के अंदर एक बटन दबाऊंगा ना, तो इस तरीके से देखो ये फोल्ड हो जाएगी, फोल्ड होकर एक बॉल के जैसी बन जाएगी और ये बॉल की तरह नीचे चल भी सकती है। तो थोड़ी देर में इसको भी मैं आपको चला के बताने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखते रहना। दिखने में एक एलियन स्पेसशिप जैसी ये दिखाई देती है, ऊपर की तरफ बहुत सारी लाइट्स है, यहां से इस तरीके का राउंड डिजाइन भी इसके अंदर दिया गया है। तो बाकी देखते हैं गाइस ये किस तरीके से रोल करके चल पाती है। इसका ये रहा रिमोट कंट्रोलर, यहां पे दो जॉयस्टिक्स है, इसको रोल कराने के लिए यहां पे एक स्विच है, यहाँ पे एक स्विच दिया गया है 2.4 GHz का, ये रिमोट है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी यूनिक चीजें मैंने ले ली है, जैसे कि ये एक सुपर आरसी कार है जो कि सिर्फ आपको 1000 रुपीज में मिल जाएगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा सुपीरियर है 1000 रुपीज के हिसाब से, दिखने में भी इसका लुक बिल्कुल एक रियल सुपर कार जैसा ही दिखाई देते हैं। तो इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको भी आज बहुत खतरनाक तरीके से मैं टेस्ट करने वाला हूँ। अब ये जो चीज है ना भाई, सामने से इसका लुक बिल्कुल एक हनी बी या फिर बम्बल बी जैसा दिखाई देता है। इसके इतने बड़े बड़े यहाँ पे व्हील्स दिए गए, इसके फिन्स के अंदर बहुत सारी लाइट्स वगैरह दी जाती है और इसके आंखों के अंदर भी बहुत सारी लाइट्स दी जाती है। तो चलो गाइस फटाफट से सबसे पहले मैं आपको साइकिल को चला के बताऊंगा, उसके बाद इन सभी की फाइट कराते हैं, लेट्स गो। सभी यूनिक आरसी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, पहले इनको मैं इंडोर में टेस्ट करने वाला हूँ। उससे पहले हमारी आरसी साइकिल का लुक देखो यार, कितना ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको ही चलाते हैं, रिमोट को ऑन कर लेता हूँ मैं, देखते हैं गाइस कितने अच्छे तरीके से चलेगी। जैसे ही मैंने ट्रिगर दिया है काफी कमाल तरीके से चलने लगी। अब टर्न करके भी देख लेते हैं, टर्न भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। यहाँ पे इसका राइडर बहुत ही आराम से साइकिल को चला पा रहा है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था गाइस ये मेरी आरसी साइकिल इतनी अच्छी तरीके से चलेगी। पर इसके अंदर मेरे को एक छोटी सी दिक्कत लग रही है,
रही है वो है इसकी हैंडल। जैसे मैं हैंडल को टर्न कर रहा हूँ तो ये काफी बड़ा टर्न ले रही है जैसे कि देख सकते हो, क्योंकि इसका हैंडल काफी ज्यादा टाइट हो चुका है यार। बाकी साइकिल चलने में एक नंबर है, मजा आ गया गाइस मेरे को तो ये चला के। मैंने इसको बनाने के लिए 2 दिन लगाए थे, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके भी देखे थे, तो फाइनली आज ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है गाइस। ये एलियन जैसी शक्ल वाली आरसी कार को भी टेस्ट करके देखते हैं। सामने की तरफ 3 लाइट्स दी गई है, इसके व्हील्स हल्के फुल्के होने के कारण ये बहुत इजीली कंट्रोल भी हो जाती है। अब रिमोट के अंदर एक स्पेशल बटन इसका दिया गया है, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा देखो गाइस ये बहुत स्पीड से 360 डिग्री घूमती रहती है। तो इसके अंदर एक और बहुत ही यूनिक चीज लगी, वो है इसका जंपिंग मैकेनिज्म। ऊपर का ट्रिगर मैंने प्रेस कर दिया, यहाँ से ये ताकत जमा कर रहा है जंप करने के लिए। अब देखो गाइस ये इस तरीके से जंप कर सकता है और भी बहुत अलग अलग तरीके के स्टंट कर सकता है, जैसे कि एक व्हील के ऊपर इस तरीके का डांस भी बता सकती है ये कार। और जैसे ही मैं एक बटन दबाऊंगा ये वापस से सीधी भी हो जाती है। ये देखो गाइस जैसे ही मैंने बटन दबाया ये जंप करके मेरे हाथ में वापस से आ चुकी है। अब मैं हनी भी आरसी कार को चला के दिखाने वाला हूँ। एक्चुअल में ये एक स्टंट कार है, इस वजह से इसके व्हील्स काफी ज्यादा बड़े बड़े दिए गए और इन व्हील्स के अंदर काफी बड़ी बड़ी मोटर्स भी लगाई गई है, इस वजह से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर मान लो ये इसी तरीके से पलट भी जाती है तो एक बटन दबाने पे अपने आप को सीधा भी कर लेती है और एक बटन दबाने पे ये इस तरीके से 360 डिग्री भी घूम सकती है। ये 360 डिग्री घूमते समय अगर आप इसको पकड़ लो ना गाइस आपके हाथ में काफी ज्यादा चोट लग सकती है, क्योंकि इसकी स्पीड देखो यार कितनी ज्यादा दी गई है। इसके अंदर बहुत सारी लाइट्स है यहाँ पे देखो, और नाइट में तो भाई इसका लुक अलग ही लेवल का नजर आता है। यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा रोशनी आ रही है इसकी आंखों के अंदर से। दोस्तों अब ये iSpy RC टैंक को मैं चला के बताने वाला हूँ। इसके साथ कोई भी रिमोट नहीं मिलता है, फोन के अंदर मैंने इसका ऐप डाउनलोड कर लिया, यहीं से मैं इसको कंट्रोल करके दिखाने वाला हूँ। सामने का कैमरा भी इसका एक्टिवेट हो चुका है, कैमरे की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। ये टैंक के साथ हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो एक बार आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ राइट साइड में एक रूम है, रूम के अंदर अभी मैं आपको जाके बताने वाला हूँ। ये सारी फुटेज जो है मेरे फोन के ऊपर नजर आ रही है, यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने देख रहे हो अपनी ब्लैक बीस्ट आर्मा फेलोनी है और यहाँ पे रखी है X01। ये रूम के अंदर आप जिधर भी देख लो आपको सिर्फ RC कार्स नजर आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कहीं पे भी ये टैंक को लेके जा सकते हैं। ये चीज ये टैंक के अंदर मेरे को बहुत ही ज्यादा यूनिक लगी। जैसे मैं एक बटन दबाऊंगा तो इसका कैमरा इस तरीके से ऊपर भी आ जाएगा और ऊपर का फुटेज भी हम लोग अपने फोन के अंदर बहुत इजीली देख सकते हैं। दोस्तों अभी ब्लैक मैम्बा आरसी कार को चला के बता देता हूँ। अब मैं इसको एकदम नॉर्मल वाले मोड में चला रहा हूँ और ये बिल्कुल नॉर्मल कार जैसी चलती है। अब देखो गाइस इसकी शक्ल मैं चेंज करने वाला हूँ। अब यहाँ पे चलाते चलाते जैसे ही मैंने इसको बॉल मोड में कन्वर्ट किया है ये इस तरीके से बॉल बनकर इस तरीके से रोल करने लगती है। वापस से देख रहे हो इस तरीके से लुढ़कती हुई कहीं भी चली जाती है यार। ये चीज ये कार के अंदर काफी यूनिक लगी। अब ये सबसे सस्ती स्पोर्ट्स कार को भी एक बार इंडोर में चला के देख लेते हैं। मेरे को नहीं लगा था गाइस ये इतनी अच्छी तरीके से चलेगी और इसकी मोटर काफी ज्यादा पावरफुल होने के कारण जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रेक लगा रहा हूँ ये खतरनाक तरीके से ड्रिफ्ट भी करने लग रही है। ओके गाइस अब रेस कराते हैं टैंक वर्सेस साइकिल के बीच में, देखते हैं क्या अपनी आरसी साइकिल ये टैंक को हरा पाएगी या फिर नहीं। दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है, पहले तो iSpy टैंक आगे निकल गई थी पर जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर दिया है अपनी आरसी साइकिल ने टैंक को बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा दिया है रेस में। साइकिल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई, मेरे को तो साइकिल काफी ज्यादा बढ़िया लगी। अब आरसी साइकिल की रेस कराते हैं बाउंसिंग आरसी कार के साथ, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीतता है। 1 2 3 दोनों के बीच में यहाँ पे रेस स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो गाइस अपनी बाउंसिंग कार पहले तो बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी, फिर जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर देना चालू किया है आरसी साइकिल ने इसको भी काफी आराम से ओवरटेक कर दिया है। अब आरसी साइकिल आगे आगे चल रही है, बाउंसिंग कार पूरी कोशिश कर रही है इसको ओवरटेक करने के लिए। इसके बराबर में आ चुकी थी पर गाइस इसका बैलेंस खराब होने के कारण ये अचानक से पलट गई है। वापस से आरसी साइकिल जीत चुकी है यहाँ पे। दोस्तों आप देखते हैं क्या आरसी साइकिल आरसी सुपर कार को हरा पाएगी या फिर नहीं। दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है, आरसी साइकिल थोड़ा सा आगे निकल गई थी पर स्पोर्ट्स कार तो स्पोर्ट्स कार है यार, इसने साइकिल को टक्कर मार के नीचे भी गिरा दिया है। क्लियरली यहाँ पे सुपर स्पोर्ट्स कार जीत चुकी है। ओके दोस्तों अब होगी एकदम खतरनाक वाली फाइट ये दोनों आरसी कार्स के बीच में, देखते हैं बाउंसिंग कार जीतती है या फिर हनी भी आरसी कार जीतती है। ओ माय गॉड हनी भी आरसी कार काफी ज्यादा तेज मेरे को लग रही है, देखो ये 360 डिग्री घूमना चालू कर चुकी है। यहाँ पे बाउंसिंग आरसी कार इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर इसने एक बार जंप भी लगा दी थी पर हनी भी आरसी कार इतनी ज्यादा पावरफुल है कि देखो ये जैसे ही जंप लगा रहा है इसने भाई इसको उठा के फेंकना चालू कर दिया है। ओ माय गॉड हनी भी आरसी कार बहुत ज्यादा पावरफुल है पर आप बिल्कुल भी बाउंसिंग आरसी कार को कम मत समझना गाइस, देख रहे हो ये इस तरीके से जंप मार के कहीं से भी बच के निकल सकती है।
अब ये खतरनाक सी हनी भी आरसी कार के सामने फाइट करने के लिए आरसी स्पोर्ट्स कार आ चुकी है। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता। हनी भी आरसी कार इससे भी ज्यादा तेज निकली पर सुपर स्पोर्ट्स कार ने इसको एक धक्का मार के पलट के रख दिया है। ओ माय गॉड, मेरे को लगा था कि यहाँ पे भी हनी भी आरसी कार जीतेगी पर सुपर स्पोर्ट्स आरसी कार इससे भी ज्यादा ताकतवर निकली। अब देखते हैं ये आरसी सुपर स्पोर्ट्स कार ये टैंक के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। मेरे को लगा था कि ये टैंक को भी उठा के फेंक देगी पर टैंक एकदम भारी भरकम होने के कारण ये बिल्कुल भी इसको उठा नहीं पाई है। टैंक ने इसको एकदम आसानी से हरा दिया है पुशबैक में। आज मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है अवलांश, जगदीश, अकीब, तरुण, अक्षित, जतिन, सुरजीत, आयुष, युवराज, हिमांशु। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।